मैं सेवन से असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन की कला अज आप डीएलएड के पेपर 106 नंबर मात भाषा के होर भाषावान की सिक्ख्या स्कूल के अंदर बाहर बारे गलबात करा अज का अपना विषय है भाषाई जमात के वक्त पद्धर जिमें कि आप विषय के नाम की गल कि भाषाई जमात के कि पद्धर होने चाहिए हैं भाव के सौखे शब्दों में गल कर दी है कि भाषाई क्लास के वो कि नुकत्या वाचन की लड़ है जिसे बच्चे का सर्वपक्षी विकास किया जा सके जो सौखे शब्द करते हुए कही कि भाषाई जमात के भाषाई जमात किस तरह का ज्ञान देना जरूरी बनता है ताकि बच्चे का सर्वपक्षी विकास हो सके भाव कि भाषाई जमात किस तरह का कि विकास बच्चे का करती है जब आप उस विषय के न चर्चा करा सब भाषाई जमात का सब तो पहला कार्य है बच्चे का भाषाई मुढ़ला ज्ञान पता बच्चे भाषाई का मुढ़ला ज्ञान पता भाव कि बच्चा भाषा समाज के बच्चों अपने तरीके गैर रस्म तरीके सीखता रहता है पर भाषा दरीकियां आदि सीखने भाषा का व्याकरणिक ज्ञान आदि प्राप्त करने बच्चे स्कूल के रस्म सिक्ख्या लैन की जरूरत होती है इसे भाषाई जमात का सब तो मुढ़ला कार्य यह बन जाता है कि बच्चे भाषा का सब तो मुढ़ला ज्ञान प्रदान किया जाए भावे भाषा की जो व्याकरणिक अधिकार होना या व्याकरण मुढ़ला ज्ञान है भाषाई जमात को कारण होता है। दूसरा भाषाई जमात का पद्धर का सब तो अहम अंग है मात भाषा संबंधी सिक्ख्या जिन्हें कि आप जानते हैं कि मात भाषा बच्चा अपने माता पिता अपने भैन भरा या अपने दोस्तों मित्र को आले दुआले अपने आले दुआले तो प्राप्त करता है पर उस भाषा के पूर्ण तौर पर संपूर्णता के होते हैं या उस भाषा के पूरी तरह के मुकम्मल तौर पर वधिया प्रवीणता हासिल करने बच्चे को स्कूल की या भाषा जमात की लोड़ पड़ती है। सो इस भाषाई जमात का एक अहम कार्य बन जाता है कि बच्चे मात भाषा की तरक्की वास्ते बच्चे के मात भाषा ज्ञान बढ़ाने वास्ते मात भाषा संबंधी सिक्ख्या दी जाए और बच्चे की होर सिक्ख्या भी मात भाषा के सिखाइया जा जिमें कि हो सकता भाव होर विषय विज्ञान इतिहास भूगोल आदि बच्चे के मात भाषा की सिक्ख्या के देने बच्चे के मानसिक बौद्धिक विकास के काफ़ी वृद्धि काफ़ी ज़्यादा वाधा होता है। सो इस भाषा एक मात का दूसरा अहम कार्य है मात भाषा के सिक्ख्या प्रदान करना भाषा एक मात का तीसरा अहम कार्य है दूजिया भाषावान बारे ज्ञान प्रदान भाषा सिर्फ तो सिर्फ मात भाषा या अपने इलाके की भाषा सीखने के नाल ही व्यक्ति की भाषा संपूर्ण नहीं होती या व्यक्ति एक तरह के संपूर्ण भाषा ही नहीं किया जा सकता इस बच्चे होर भाषावान चाहे वह प्रांतिक भाषावान हो बोली जाने वाली भाषा या उपभाषावान हो उन्हों का ज्ञान प्रदान करना भी मात भाषा का सॉरी भाषा के पद्धर का एक अहम पद्धर है भाषा भाषाई जमात का एक अहम पद्धर है। अगे आ जाता है भाषा सिक्ख्या का माध्यम जिमें कि आपने पहले गल की है कि बच्चे का सीखने का माध्यम बच्चे की मात भाषा या उसकी स्थानिक भाषा ही होनी चाहिए है भाव कि बच्चा होर विषयों चाहे वह विज्ञान हो इतिहास हो किसी भी तरह की सीख्या है होर विषय की वह सिर्फ तो सिर्फ अपनी मात भाषा या स्थान भाषा में ग्रहण करके चंगी तरीके सीख सकता है। इस भाषाई जमात का एक अहम कारण यह भी बन जाता है कि बच्चे उसकी मात भाषा के होरना भाषावान या होर विषय का ज्ञान प्रदान किया जाए इस अंतरराष्ट्रीय भाषा की सीख्या भाषाई जमात का एक अहम कार्य एक अहम पद्धर अंतरराष्ट्रीय भाषा की सिक्ख्या देना बच्चा सिर्फ तो सिर्फ विद्यार्थी अपने इलाके विचरते ही संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता इस बच्चे पूरे राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय भाषा एक देश को दूजे देश में जाने की जरूरत पड़ती है। इस होता कि बच्चे अंतरराष्ट्रीय भाषा जिम्मे कि उदाहरण के तौर पर अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी मान लिया जाए तो
संपूर्ण किसी एक प्रदेश को दूजे देश में चलते हैं जब भारत बहुत प्रांता का देश मनाया जाता है कित हिंदी कित तेलुगू कित मराठी बोली जाती है पर एक पंजाबी स्टूडेंट जो मेरा एक पंजाबी स्टूडेंट जो कर्नाटक जाता है तो उस कन्नड़ भाषा तो बिना अंग्रेजी भाषा जेकर ज्ञान है तो वो उतने लोगों के संवाद कर सकता है भारतीय भाषा एक मां का एक अहम पद्धर अंतरराष्ट्रीय भाषा का सिक्ख्या अंतरराष्ट्रीय भाषा की सिक्ख्या देना भी बन जाता है। इस तरह सभ्याचार के संस्कृति बारे जानकारी भाषा का अहम कारज बच्चे उसके सभ्याचार उसकी संस्कृति उसके कल्चर बारे अहम जानकारी देना होता है। सो भाषा की जमात का एक मुख्य काम है बच्चे सभ्याचार बच्चे की संस्कृति बारे करना अगे है बच्चे का शरीर के भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास भाषा किस तरह करती है जिमें कि आप जानते कि भाषा मनुख के विचार का आदान प्रदान करने का माध्यम है। विद्यार्थी के वक् वक् तरह के उठते संवेग वक् वक् तरह के उठते विचार भाषा एक स्फूर्त के सार्थक रूप प्रदान करती है। तो इस ही जो बच्चा अपने विचार चंगे शब्द देने के लिए वक् वक् शब्दों की चोण करता है वक् वक् शब्दों का उच्चार करता है उस दे नाल बच्चे के लैंग्वेज ऑर्गन जिन्हें कि भाषाई उच्चारण अंग कहा जाता है उन्होंने भी विकास होता है। सो इस तरह के बच्चे का शरीरिक भावनात्मक विकास भाषा के जमानत का एक अहम कारण हो जाता है। इस तरह समाजिक विकास बच्चे का समाज के विचरना एक सब तो मुढ़ली लोगों के एक लोग समाज के विचरण तो है बच्चा समाज के अपने विचार किस तरह पेश करता है दूसरे के विचार किस तरह ग्रहण करता है आदि का सारा ही काम भाषाई जमात जो सीखी गई भाषा पर निर्भर करता है। भाव कि बच्चे की भाषा जिनी बधेरे कुशल हो रहेगी तो उस तरीके बच्चे की समाज के रिश्ते मजबूत या बधेरे चंगे हो गए। भाव कि भाषा मनुख को समाजिक कदर कीमत एक दूसरे प्रति मान सम्मान आदि की सिक्ख्या भाषाई का भाषाई जमात एक अहम कारण है। इस तो मैं बौद्धिक विकास जिमें कि आप गल की है कि भाषा बिना भाषा अपनी भाषा की सिक्ख्या तो बिना विद्यार्थी होर जो सिक्ख्याव होर विषय दिख्याव जिम्मे विज्ञान हो गया इतिहास हो गया गणित हो गया आदि इस तरह के विषय सिक्ख्याव भी अपनी मात भाषा की सिक्ख्या ग्रहण करता है। सो इन सिक्ख्याव बच्चे का बौद्धिक विकास भी होता है। सो भाषा जमात एक पत्र बच्चे के बौद्धिक विकास का निपोणी है। इस बच्चे का कलात्मक विकास जिमें कि आप जानते भाषा किसी भी शब्द को सौखे तरीके बोलने किसी भी सौखे शब्द को औखे तरीके बोलने अपना रोल अदा करती है। सो जो बच्चा अपने शब्दों चंगे कलात्मक तरीके बोलने के योग हो जाता है इस तरह के बच्चे का कलात्मक विकास भी होता है। जो इस बिना बच्चा साहित्य रचनावान आदि पढ़ने समझण या खुद उन्होंने सृजना करने योग हो जाता है तो बच्चे का कलात्मक विकास एक अहम कलात्मक विकास मनिया जाता है। सो भाव कि भाषाई जमात के पद्धर के बच्चे का कलात्मक विकास भी एक अहम अंग है। सो ये सारे चर्चा तो बाद आप इस नतीजे पर पहुँचते हाँ कि भाषाई जमात के वक् वक् तरह के पद्धर होंगे भाषाई जमात के वक् वक् कार्ज होंगे जिन्हों कार्जों का एक मुख्य उद्देश बच्चे का सर्वपक्षी विकास करना होता है। धन्यवाद।